हेलो फैमिली, मोहम्मद रफी साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी अनछुई कहानी जो ज्यादातर किसी भी सोशल मीडिया पर उजागर नहीं हुई है, लेकिन आज हम लाए हैं आप सबके लिए दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। मैं जितेश दवे, आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज के वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा होगा कि रफी साहब जो खाते थे वो सबको खिलाते थे। आज वही कहानी हम लाए हैं आप सबके लिए ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। साल 1960 से लेकर के 1980 के दो दशकों तक, जब मोहम्मद रफी साहब अपने कैरियर के उरूज पर थे, अपने पिक पर थे, तब मोहम्मद रफी साहब बहुत सारे विदेशों के दौरे भी किया करते थे अपने लाइव शोज के लिए। लेकिन मोहम्मद रफी साहब के उस पूरे विदेश के दौरे के दरमियान बहुत सारे साथी कलाकार भी मोहम्मद रफी साहब के साथ उस टूर पर रहते थे। आज वही कहानी हम दिखाने वाले हैं आप सबको। साल 1960 से लेकर 1980 के दो दशकों तक हिंदी फिल्म जगत की एक ऐसी चरित्र अभिनेत्री जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपने डांसिंग नंबर, सॉन्ग नंबर्स भी दिए और छोटे मोटे चरित्र अभिनेत्री के रोल्स पर भी हम सभी ने देखा, ऐसी वो अभिनेत्री थी जयश्री टी जी। जयश्री टी जी ने जब अपने कैरियर का आगाज किया तब वो उतनी खूबसूरत और मानी हुई फनकारों में शुमार रखती थी कि बहुत सारी फिल्मों में जयश्री टी जी को ऑथेंटिक रोल्स भी मिलते थे और साथ ही साथ विदेश के लाइव शोज में भी जयश्री टी जी को अपने डांसिंग नंबर्स के लिए शामिल किया जाता था। जयश्री टी जी मोहम्मद रफी के साथ भी बहुत से विदेश के दौरों पर गई थी। जयश्री टी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हमारे मोहम्मद रफी साहब के साथ दौरे होते थे विदेश के लाइव शोज के, तब रफी साहब सभी फनकारों को एक ही जगह पर एकोमोडेट करवाते थे, उसी होटल पर जिसमें रफी साहब खुद भी ठहरते थे। यहां तक कि होटल का जो भी खाना आता था, हालांकि मोहम्मद रफी साहब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी कहलाते थे, लेकिन रफी साहब वही खाना खाते थे जो पूरे ट्रूप के छोटे से बड़े सभी फनकारों के लिए आता था। रफी साहब को कभी जयश्री टी जी ने बताया है कि अलग से अपने रूम पर अच्छा या अलग सा खाना खाते हुए पूरे ट्रूप में किसी ने भी नोटिस नहीं किया। ये थी मोहम्मद रफी साहब की एक बड़े कलाकार के साथ साथ एक ऐसी बड़ी विनम्रता जो आज के दौर में तो दूर दूर तक कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती। सलाम है मोहम्मद रफी साहब की ये महानता को। वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वॉटर, सेव अवर मदर अर्थ।